तो भाई आज हम बैठे हैं फॉर्च्यूनर में, अभी भाई की फॉर्च्यूनर है। तो भाई इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसकी साउंड वगैरह सुनाऊंगा और भाई से एक बार पता कर लेते हैं इसमें जो फीचर हैं काम के हैं या नहीं। तो करते हैं भाई वीडियो शुरू। तो भाई जैसे कि ये स्क्रीन है, आजकल जो भाई नई गाड़ी आ रही है जैसे क्रेटा हुई, उसमें इतनी बड़ी आती है, कहीं ना कहीं ये उसके मुकाबले सही बात है या गलत है? देखो गलत, अब मैं इस वो ही तो बोल रहा हूँ कि हर गाड़ी में अपनी एक अलग खासियत है। इसको जो स्पेस आगे को, हाँ, उसके हिसाब से स्क्रीन दे रखी है इसमें। हाँ। लुक वाइज उसकी लुक अलग बना रखी है। अगर सारी अगर स्क्रीन हम बड़ी बड़ी दे देंगे तो सबकी लुक भी तो अलग देनी चाहिए किसी चीज की, तो ये एक यूनिक चीज है। अच्छा, तो भाई सही है, कहीं ना कहीं परफेक्ट है बिल्कुल। इतना ही काफी। देख मैंने आज तक हम वीडियो के गाने ना चला के देखे भाई, वीडियो चल जाती है? नहीं, वीडियो चल जा पर हम, मैंने आज तक चलाई वीडियो ना। चलेगी कैसे वैसे? वीडियो की नहीं पता, पर हम यहाँ तक कनेक्ट करेंगे इसे डाटे केबल से। ये बताओ भाई, इसकी टोयोटा की कोई एप्लीकेशन वगैरह भी आती है जो ये कनेक्ट हो जाए? मतलब कि बाहर हमें जैसे कहीं बैठे हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट वगैरह करनी है, है ऐसी कोई एप्लीकेशन? नहीं है। और इसकी जो पावर विंडोज है वो डाउन वगैरह हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है? पावर विंडो बाहर से की से डाउन हो जाते हैं, वो ऐसे नहीं है कि अगर हम लगवाना चाहें इसमें, जैसे चारों लोग एक साथ, जैसे मतलब हम बंद करेंगे तो अगर कोई सा डोर खुल रहा होगा तो चारों एक साथ बंद हो जाएंगे, वो अलग से लगे। नहीं भाई, वो फीचर आ रहा है ना, आ रहा है कि इसमें नहीं है वो। तो भाई ये जैसा कि एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे हम फोन से कनेक्ट करते हैं साथ साथ ही हो जाता है, तो करके दिखा दो भाई। अगर हम डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट फोन करके जैसे नॉर्मल डेको में अपना कनेक्ट करा जाता है, सिलेक्ट करके। चलो पहले इसे देख लेते हैं, बेस्ट है। डाटा केबल हमने इसमें लगाई, इसमें सारा फोन हमारा जो हो गया फोन है वो इसमें ओपन हो गया। कितने टाइम बाद आ गया? तो भाई ये बताओ इसमें जो आईफोन की एप्लीकेशन है जैसे हमें व्हाट्सएप वगैरह चलानी हो चल सकते हैं? ये जैसे कि आपका मैप चल गया, हाँ ये मैप वगैरह तो चल जाते हैं। ये रहा अपना व्हाट्सएप आएगा और इंस्टाग्राम वगैरह, जैसे इंस्टाग्राम नहीं है इसमें जो आएगा ये आएगा। अच्छा, तो भाई कोई मैसेज, हाँ, मैप, हाँ, व्हाट्सएप, कोई एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी पड़े इसमें? हाँ नहीं नहीं, मतलब जो इसमें आ रहा है ना, मैंने इसमें बहुत सी एप्लीकेशन मतलब है मेरे फोन में, पर इसमें जो आएगा वो यही है। ये भाई ये बताओ, अगर फोन में एप्लीकेशन है जो वो इसमें लानी, वो एलोए करनी पड़ेंगी या फिर आएंगी ही नहीं? वो आएंगी नहीं, जो ये सपोर्ट करेगी वही सपोर्ट है जो इसमें। तो है अगर ऐसे ही फोन से हमें सॉन्ग वगैरह सुनने हो तो उसमें आईट्यून में डालने पड़ेंगे? आईट्यून में डालने, वैसे नहीं है कोई ऑप्शन? फिर ब्लूटूथ ही है, ब्लूटूथ में है, अभी से चल जाएगा ना इसमें, तो जो आईट्यून में रहेंगे वही चलेंगे, इसमें सब चलेंगे। अच्छा, इससे चलाओगे? इससे डायरेक्ट अगर इसमें आईट्यून में चलाना तो इससे चलेंगे, अगर आईट्यून में डाल के। अच्छा, फोन में चला, फोन में भाई एनसीएस सॉन्ग करो, हिंदी एनसीएस सॉन्ग सर्च करो यूट्यूब पे, उसे चला, यूट्यूब चल जाएगी ना? हाँ यूट्यूब चलेगा। तो भाई वीडियो उसमें चलेगी और गाने इसमें चलेंगे? एनसीएस हिंदी म्यूजिक। पहले भाई साउंड कम कर दो एकदम। Sorry, there's something wrong. Please try again. नहीं, ये क्या Siri on हो गया? वो Siri on हो गया था अगर फोन से हम कुछ नहीं। चल जला ले। चलो मैं। चलो। हाँ। Maximum sound है। Maximum. चलने दो बस। देख लो गाड़ी स्टार्ट है जैसे कि, और बाहर भी साउंड आ रही है और अंदर तो सही है, बेस वगैरह मतलब कम नहीं है और यहाँ तक आप सुन सकते हो। मैं पीछे दिखा देता हूँ और भाई से पूछेंगे कितने स्पीकर हैं इसमें। तो भाई ये थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ता है। तो भाई साउंड कहीं ना कहीं बेस्ट है इस सेगमेंट के हिसाब से, बहुत बढ़िया साउंड है। भाई अभी भाई कितने स्पीकर हैं इसमें? इतने सारे नया दो आगे, हाँ, दो आगे, हाँ, चार ही स्पीकर, दो ट्विटर, रुक जाए। तो भाई साउंड तो बढ़िया है एकदम, आगे से सुना देता हूँ कितनी, बेस वगैरह सही है।
और गाड़ी में बैठते हैं और मैं पूछता हूँ एक बार। अभी भाई ये बताओ, जैसे इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर हैं, अगर हमको आगे आगे के स्पीकर चलाने हैं वो भी हो जाता है? सेटिंग में जाके अच्छा, बंद कर, पीछे पीछे के साइड लेफ्ट राइट सब कुछ हो जाता है। तो भाई ये सही फीचर लगा मुझे। और भाई एक बार ब्लूटूथ से और कनेक्ट करना बताओ इसे, इससे हटा के देखो, जैसे कि मैंने तो किया हुआ है मेरे फोन में तो वो रखा पहले। अगर फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे दो फॉर्च्यूनर में कैसे कनेक्ट होता है। सिलेक्ट फोन करके अपना कोई भी ऐड अगर जैसे कि नया करना है तो शुरू से बताओ भाई, होम पे ले आओ। बिल्कुल ये होम आ गया। अच्छा यही है होम। हाँ यही आएगा। सिलेक्ट फोन करके अपना अगर नया ऐड करना हो, क्योंकि मेरा हुआ पड़ा तो ऐड करो इसमें आ जाएगा। अच्छा हाँ इसमें आते हैं। अब जैसे इसमें आने के बाद हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे, हमारा फोन आ जाएगा। ठीक है, कोड वगैरह कुछ डालना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कोड वगैरह अगर जो उसमें से एलॉय करना पड़ेगा, अगर जो भी इसमें 000 जो आता है कुछ, हाँ आता है तो उसको कर देंगे। उसके बाद या तो अपने मेरे फोन में भी हो जाएगा वो। किस नाम से आता है भाई? इसका आता है भाई कार मल्टीमीडिया। अच्छा कार मल्टीमीडिया के नाम से। इसमें हम जैसे कि मेरे में 3 है, 3 इनोवा है हमारी, तो 3 का कार मल्टीमीडिया जाता है। तो इनोवा में यही आता है कार मल्टीमीडिया। तो भाई ये वैसे कौन से उसका है, टोयोटा का अपना ही है या फिर किसी और कंपनी का है? टोयोटा में यही डाल के दिया था। अच्छा तो भाई हाँ ऐसे यही सही कर लो आप, कनेक्ट फोन कर दो। हाँ अब यहाँ देखना है साउंड में कुछ फर्क पड़ता है नहीं गाने में। दूसरा आईफोन है। ये कनेक्ट हो गया। ठीक है हो गया, कनेक्टिंग हो गया। उसके बाद देखा जाए यहाँ से हमें फिर ये करना होगा म्यूजिक में जाकर, यहाँ से भी सेट करना पड़ेगा। अब साउंड कितनी है? अच्छा भाई सेम है साउंड तो YouTube से फर्क पड़ता है। अगर YouTube की जगह हम कोई MP3 सॉन्ग सुनेंगे तो उसमें ज्यादा आवाज। अच्छा इसमें ज्यादा बेस वगैरह में भी फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। तो भाई ये बताओ इनोवा में बेस्ट है इसमें या सेम ही है? इनोवा में भी इतने स्पीकर है? हाँ, दोनों में नहीं, बस ट्विटर का फर्क है इसमें। अच्छा इसमें ट्विटर, उसमें ट्विटर नहीं है? तो ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।